दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 मई 2023 दिन गुरुवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों आप जिस काम को करने के लिए पिछले काफी समय से विचार कर रहे थे, आज उसके पूरा करने का समय आ गया है। जा दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। समझबूझ और विवेक से कार्य करने से हर बाजी आज आपके पक्ष में रहेगी तथा बाहरी संपर्कों से भी आज आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। साथ ही साथ आज आप दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लेना आपकी कई योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करेगा। तमाम व्यवस्था के बावजूद आप अपने और घर परिवार के लिए समय निकालेंगे, अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखें। साथ ही साथ दूसरों की बातों में आने की अपेक्षा अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें, अन्यथा किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मामला थाने तक भी बन सकता है, इसलिए आज आप अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखें। साथ ही साथ आपको बता दें, बोलते समय शब्दों का आज आप उचित प्रयोग करें, आपके नकारात्मक शब्द बच्चों में हीन भावना भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा, सावधान रहें। साथ ही साथ आपको बता दें, आज कुछ पुराने दोस्तों से मिलने से कुछ पुरानी यादें भी ताजा होंगी, जिससे मन को आपके खुशी मिलेगी। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में होने वाला है, इसलिए पहले ही उस पर पूरा काम कर रखें। साथ ही साथ आपको बता दें, आज किसी समारोह या धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण आज आपको प्राप्त हो सकता है। संतान संबंधी भी कोई समस्या हल करने में आप आज सक्षम रहेंगे। स्थितियां आज धनदायक चल रही हैं, उनका सदुपयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप उनका कैसे सदुपयोग करें। साथ ही साथ आपको बता दें, आज बाहरी गतिविधियां तथा अनजान लोगों से आप दूरी बनाकर भी रखें, अधिकतर समय अपने घर पर ही व्यतीत करें, क्योंकि किसी प्रकार का वाद विवाद होने की भी आज आशंका लग रही है। संतान से संबंधी कोई चिंता भी आज आपको रह सकती है। साथ ही साथ कोई भी निर्णय इमोशनल होकर आप ना लें। बच्चों के किसी कार्य से आपको चिंता रह सकती है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। बच्चों के प्रति आज आप थोड़ा सजग रहें। साथ ही साथ धन संबंधी नुकसान होने की भी आज संभावना बन सकती है। अगर घर में सुधार संबंधी कोई योजना बन रही है तो वास्तु के नियमों का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की आप सोच रहे हैं तो आज स्थितियां अनुकूल भी हैं, बशर्ते आपको वास्तु के अनुसार काम करना है, इस पर आप गंभीरता से काम करें। साथ ही साथ आप घर और व्यवसाय संबंधी सभी जिम्मेदारियों को आज बड़ी संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे। कोर्ट केस संबंधी सरकारी मामले में भी आज विजय मिलने की संभावना है, इसलिए पूरा ध्यान इन कामों पर केंद्रित रखें। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से मन मुटाव होने की भी आज आशंका है,
इसका असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है, परंतु घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह वे हस्तक्षेप से समस्या सुलझ जाएंगी। कटु वाणी का प्रयोग करने से आज आप बचें। साथ ही साथ बता दें, अचानक से कोई नकारात्मक बात हो सकती है जिसकी वजह से धन हानि भी हो सकती है। आर्थिक स्थितियां आज डगमगा सकती हैं। अपने क्रोध व उत्तेजना पर काबू बनाकर रखें तथा धैर्य और संयम से काम लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो दोस्तों आपको बता दें, बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव और देखभाल आपके पारिवारिक जीवन में सौभाग्य लाएगा। प्रेम प्रसंगों में भी प्रगढ़ता आएगी। साथ ही साथ घर के किसी मुद्दे को लेकर पति पत्नी में थोड़ी मीठी नोक झोंक भी रह सकती है, परंतु इसका नकारात्मक असर घर के वातावरण पर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, व्यस्तता की वजह से परिवार के लिए आज आप समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवार के लोग आपकी स्थिति को समझेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। या दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका व्यवसाय और करियर कैसा रहने वाला है, तो दोस्तों आपको बता दें, आज शेयर तथा सट्टे जैसे कार्यों से ताल्लुकात रखने वाले व्यक्तियों को और अधिक सावधान रहना है। आज उनको सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। इस समय रुपए पैसे के मामलों में किसी पर भी भरोसा या विश्वास करना ठीक नहीं है। ध्यान रखें, कोई व्यवसायिक सूचना भी आज लीक हो सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में आप सारे निर्णय आज स्वयं ही लें, किसी का हस्तक्षेप आज ना होने दें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा होने से आज उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन प्राप्त होगा, जिससे आपको खुशी का अनुभव होगा। साथ ही साथ बता दें, वर्तमान समय में चल रहे व्यवसायिक कार्यों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसका आप लाभ उठाएं। साथ ही साथ व्यवसायिक कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। पुश्तैनी व्यवसाय में अत्यधिक लाभदायक परिस्थितियां आज बन रही हैं। समय का भरपूर आप फायदा उठाएं। अचानक ही आज आपके कई काम बनेंगे, धन लाभ प्राप्ति के योग रहेंगे। साथ ही साथ सरकारी सेवारत व्यक्तियों के ऊपर आज काम की भी अधिकता रह सकती है। साथ ही साथ हमने आपको पहले भी आगाह किया है कि व्यवसायिक गतिविधियों में वर्तमान स्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। जल्द ही लाभ के मार्ग आपके लिए प्रस्तुत होने वाले हैं। अचानक ही कोई कार्य बनने से मन में प्रसन्नता रहेगी। साथ ही साथ बता दें, काम की क्वालिटी में कमी की वजह से भी आज कोई ऑर्डर या फिर डील कैंसिल होने की आशंका है, इसलिए कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और वहां के माहौल को अनुशासित भी बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित होगा। नौकरी से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी इनको प्राप्त हो सकती है। वेतन वृद्धि या फिर प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना आपको आज प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ बता दें, कानूनी पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि कोई उन्होंने परीक्षा दी है तो परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में आ सकता है, जिससे घर परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की चिंता आप ना करें, परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण से बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपको बता दें, किसी प्रकार की आज चोट आदि लगने की भी संभावना बन सकती है, इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं तथा नशे आदि के सेवन से भी आज आपको परहेज करना होगा। यूं कहें कि नशा आदि आप छोड़ दें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आपके लिए भाग्यशाली अंक रहने वाला है 3 और भाग्यशाली रंग रहने वाला है नारंगी। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, किन किन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें, आज आप सूर्य उदय जब हो मतलब उगते हुए सूर्य को नमस्कार करें, मन ही मन सूर्यदेव के मंत्रों का उच्चारण करें, ऐसा आप
प्रतिदिन करें, नियम बना लें और उगते हुए सूर्य को आपको नमस्कार करते हुए उसके मंत्रों का जाप करना है। तो दोस्तों यदि आप प्रतिदिन ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे टलने लगेंगी, समाप्त हो जाएंगी, आपके जीवन में कोई परेशानी रहेगी ही नहीं, परेशानियों का धीरे धीरे अंत होगा और आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ क्या करें, आप बहन बेटी मौसी बुआ या फिर साली की सहायता करेंगे अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार, तो पारिवारिक जीवन के लिए शुभ होगा, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी होगी, मतलब कि आपके जीवन में आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। जय दोस्तों, इनमें से कोई भी उपाय कर लें आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका भाग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भाग्य का पूरे 95% साथ मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।